सो है यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज एक खुशखबरी है, थोड़ी लेट दे रहा हूँ मैं, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही लेट दे रहा हूँ मैं, बट फिर भी खुशखबरी तो है ही कि PS5 का रीस्टॉक फिर से हो रहा है कल यानी 27 मई को 12 बजे फिर से, जो सारी वेबसाइट पर फिर से मैंशन हो चुका है। स्क्रीन पर देख सकते हो आप कि ये सोनी सेंटर की वेबसाइट है, यहाँ मैंशन हो चुका है, ये प्रीपेड गेमर कार्ड है, विजय सेल्स पर ये रहा, क्रोमा पर भी लिस्ट हो चुका है, ये रहा रिलायंस डिजिटल जो प्रायोरिटी में रखनी नहीं है बट फिर भी लिस्ट हो गया है, और ये क्या है, ये तो गेम्स द शॉप है, इस पर भी लिस्ट हो चुका है, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट फिर से मुझे मेंशन नहीं दिखाया जैसे पिछली बार नहीं दिख रहा था, बट पता नहीं यार, ये ऑब्वियसली आएगा तो आएगा, ये दोनों बहुत बड़ी वेबसाइट हैं, टॉप पर आती हैं, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो फिर से सॉरी कि मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, और जो मेरी टिप्स हैं कि PS5 आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं कल अपना, उसका मैं बताना चाहता हूँ ये कि मैंने सोनी शॉप एट SC से लिया था क्योंकि डिजिटल वहीं पे आया था, और हाँ इस बार डिजिटल नहीं आ रहा है, सिर्फ वो आ रहा है डिस्क वाला एडिशन, तो सारी वेबसाइट्स पे ही। तो मैंने जो टिप है मेरी आप लोगों के लिए वो ये है कि आप अपना अकाउंट पहले तो बना लें, क्योंकि वहाँ पे जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो सबसे पहले आपको कहेगा कि आप अपना अकाउंट बनाएं, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। अकाउंट आप बना लें, अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो आप एक नहीं भी यूज़ का है तो किसी को गिफ्ट कर देना। आप यहाँ पे हेडफोन कॉर्नर में जाओ और फिर यहाँ से आप शॉर्ट बाय में प्राइस लो टू हाई कर दो, तो यहाँ पर जो सबसे सस्ता होगा उसको परचेज कर लो। जैसे ये है, मैंने ये वाले हेडफोन्स परचेज़ किए थे पिछली बार, आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं परचेज़ जो सबसे सस्ता लगे आपको। तो मैं परचेज़ करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है, आप अगर परचेज़ कर लेंगे तो सोनी की वेबसाइट पे जो है आपकी अकाउंट में आपका जो एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। हालांकि अगर आप अभी जाके करोगे इसके अंदर तो आपको वो सेव करने का ऑप्शन देगा कि आप सेव कर लो उसको अपने एड्रेस को, लेकिन वहाँ पर होगा नहीं वो सेव, कुछ भी कर लो वो होगा नहीं सेव, बट वहाँ पर कहेगा कि आप सेव कर लो, होगा नहीं। तो आपको पहले ये कर लो, आप बाय अभी या कल पहले कर लेना, बाय करने के बाद ये चेक वेक कर लो कि आपके पिन कोड पे अवेलेबल है या नहीं है, वो चेक वगैरह करके बाय कर लो। बाय करने के बाद क्या है, उसमें आपकी कार्ड डिटेल्स सेव हो जाएंगी और आपका एड्रेस भी सेव हो जाएगा। तो जब आप कल PS5 परचेज़ कर रहे होगे सोनी वेबसाइट से, मैं सोनी वेबसाइट की बात बता रहा हूँ, तो सीधा ही वो नेक्स्ट करते हुए आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका उस पर आएगा, पेमेंट मेथड पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बस उस पर लगेगा, बाकी एड्रेस वेड्रेस का कुछ नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा। मैंने ऐसे किया था और इसी वजह से आई थिंक मेरा इसी वजह से ही हुआ है और किस्मत साथ दे गई थी, ये था मेरा इसका। और अमेज़ॉन वगैरह का मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनसे आप बंडल परचेज़ कर लो, अगर थोड़ा बहुत ऐसे 5-6 हज़ार रुपये और का बजट है आपके पास 55-56 का, तो आप या तो PlayStation कैमरा ले लो अगर काम का है तो, नहीं तो आप वो PlayStation का एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर ले लो, या अगर आप अकेले ही हो घर में मतलब कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है तो आप कोई गेम खरीद लो साथ के अंदर, माइल्स मोरेल्स, रैचेट एंड क्लैंक, कोई सी भी ले लो उसकी डिस्क, क्योंकि क्या है अगर आप बंडल में परचेज़ करते हो तो बंडल में वो लोग प्रायोरिटी देते हैं बंडल वालों को ऑर्डर रिसीव करने में भी, और ऑर्डर जब उनको जा रहा होता है उनके वहाँ से ऑर्डर पहले उनको मिलता है, उनको पहले ही प्लेस होता है, ये पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो आप बंडल परचेज़ करने का ट्राई करना, यही रहना। और पेमेंट मेथड में मैं ये बताना चाहूँगा कि पेमेंट मेथड के अंदर क्रेडिट कार्ड मत यूज़ करना, कि क्रेडिट कार्ड में पहले आप डालोगे डिटेल्स, फिर आपका वो OTP आएगा, फिर OTP से आप उधर भेजोगे, बहुत टाइम लगता है यार। सीधी बात है, आप जाओ UPI से करो, आप अभी ही अपने वॉलेट के अंदर पैसे डाल लो अपने बैंक अकाउंट से, या कल डाल लेना पहले, उसी टाइम डालने बैठोगे तो गया भाई तुम्हारा PS, तो पहले ही कर लेना ये सब कुछ, ठीक है। तो यही था मेरा। और जो प्रायोरिटी में आपको वेबसाइट्स रखनी चाहिए वो है फ्लिपकार्ट, फिर अमेज़ॉन, फिर गेम्स द शॉप, फिर शॉप एट SC, फिर प्रीपेड गेमर कार्ड, फिर ये विजय सेल्स, फिर क्रोमा, और फिर रिलायंस डिजिटल। जब कुछ ना बचे ना कि भाई नहीं हो रहा अब तो, तब चले जाओ, इस पे भी कोई भरोसा नहीं आपका, हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर कंफर्म करके कैंसिल कर देता है। इस बार भी किए, क्रोमा ने भी इस बार ऑर्डर कैंसिल किए, बट क्रोमा ने ये भी कहा है कि हम प्रायोरिटी देंगे जिन जिनका कैंसिल हुआ है, प्रायोरिटी देंगे उनको नेक्स्ट रीस्टॉक के अंदर, तो हो सकता है उनको प्रायोरिटी मिले जिन जिनका कैंसिल हुआ था। तो मेरे हिसाब से यही है, रिलायंस डिजिटल पे तो यार भरोसा करना छोड़ ही दो, क्या ही भरोसा करोगे इस पे। तो यही थी टिप्स जो मैं देना चाहता था कि जिससे आप अपना PS5 सिक्योर कर सकते हैं,
और गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ यार प्लीज़ कि क्या मैं कल लाइव स्ट्रीम करूँ 12 से पहले आप लोगों के लिए, कि जिसमें आपको मैं बता सकूँ कि यहाँ यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख के ले सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़ यार। जैसे पिछली वीडियोज़ के अंदर भी आप लोगों ने बहुत सारे पूछे थे सवाल, मैंने सबको जवाब दिए हैं कि आपका कहाँ है वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल पूछे थे लोगों ने, मैंने जवाब दिया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे मज़े करो, बातचीत करो, मीम्स वगैरह आते रहते हैं, ऐश करो यार, वहाँ पे गेम्स वगैरह खेलो, ठीक है ना।